हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड कोडविथ लक्ष्य आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने विंडोज सलेवन में आइडल एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे ओके okay? आइडल एप्लीकेशन एक पाइथन का एप्लीकेशन है जिसमें हम पाइथन के प्रोग्राम को रन कर सकते हैं एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर पर आना है क्रोम ब्राउजर में आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे आइडल पाइथन डाउनलोड करके लिख देना है okay? ओके तो जो भी आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा ना डाउनलोड पाइथन का उस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा तो यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड पाइथन यहाँ तो पे वर्जन नेम दिया है तो आपको सिंपली ये बटन पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखिए आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टार्ट हो गया है तो हम कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं जब तक वो डाउनलोड हो रहा है तब तक तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पाइथन का जो एक सी फाइल था वो डाउनलोड हो चुका है तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देती हूँ क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मे मेरे सामने एक सेटअप विंडो ओपन हो चुका है तो सबसे पहले मैं इंस्टॉल नाव पे क्लिक करूँगी ठीक है इंस्टॉल नाव पे जैसे ही क्लिक करूँगी तो वो सारे फोल्डर्स उसके ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएंगे हम कुछ सेकेंड वेट कर लेते हैं जब तक ये इंस्टॉल हो रही है तब तक तो यहाँ पे देखिए सेटअप व सक्सेसफुल का मैसेज आ गया तो यहाँ पे सिंपली मैं इसे क्लोज़ कर देती हूँ अभी हम लोग इसे मिनिमाइज़ कर देते हैं अपने विंडोज़ के बटन पर क्लिक करके देखती हूँ आइडल एप्लीकेशन डाउनलोड हुआ है कि नहीं तो यहाँ पे देखिए मेरा आइडल एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो चुका है यहाँ पे मैं सिंपली ओपन करी तो यहाँ पे देखिए हम अपने इंटरैक्टिव मोड में पहुँच चुके हैं आप यहाँ से आपको पता है कि पाइथन के स्क्रिप्ट मोड कैसे इनेबल करते हैं तो इसके लिए सिंपली आपको फाइल पर क्लिक करना है न्यू फाइल पर क्लिक करोगे तो आपका स्क्रिप्ट मोड ओपन हो जाएगा और स्क्रिप्ट मोड का फाइल कभी भी सेव करते समय आपको याद रखना है कि आपका डॉट पी का एक्सटेंशन हो होके एंड यहाँ पे आइडल uh, एप्लीकेशन के बहुत सारे फीचर्स हैं तो आप इसे भी देख सकते हो अगर आपको आपका टेक्स्ट साइज बढ़ाना है ये पाइथन के जो आप कोडिंग कर रहे हो उसका तो आपको सिंपली ऑप्शंस में जाके कॉन्फिगर आइडल में जाना होगा और यहाँ से आप कोई भी टेक्स्ट स्टाइल यूज़ कर सकते हो साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ स्टाइल्स भी बढ़ा सकते हो फॉर एग्जांपल मुझे इसमें से ये कैंडरा लाइट वाली ये को सिलेक्ट कर लेती हूँ फंट स्टाइल को और यहाँ से इसका साइज को मैं इंक्रीज कर देती हूँ सिक्सटीन एंड इसे बोल्ड कर देती हूँ ओके okay? और यहाँ से अप्लाई कर दूंगी और यहाँ से ओके के बटन पर क्लिक कर दूंगी तो यहाँ पर देखिए आपने देखा कि मेरा जो फ़ोन स्टाइल है वो बदल गया और सारे टेक्स्ट जो है वो बोल्ड हो गया और उसका साइज़ भी इंक्रीज हो गया तो ऐसे करके आप अपने जो प्रोग्राम है उसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो ओके तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि हम कैसे विंडोज़ इलेवल में हमारा आइडल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इश्यू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो